डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कोरोना के दूसरे कहर के बीच एक अच्छी खबर आई है। वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की मांग जो है वो पूरी दुनिया में पकड़ रही है, और इसी बीच विदेशी निर्माता कंपनियों की ओर से भारत में भी अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर इस साल यानी 2021 में भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने को तैयार है। फाइजर इसके बदले कुछ रियायतें चाहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि फाइजर साल 2021 में ही वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए कंपनी क्षतिपूर्ति के साथ ही महत्वपूर्ण नियामक छूट चाहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक अन्य अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना अपनी सिंगल डोज वैक्सीन अगले साल तक भारत में लॉन्च करना चाहती है। मॉडर्ना इसके लिए सिप्ला और अन्य फर्म कंपनियों से संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मॉडर्ना ने भारतीय अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है कि उसके पास इस साल सरप्लस वैक्सीन नहीं है, वो इस साल भारत को वैक्सीन नहीं दे पाएगी। सिप्ला अगले साल के लिए मॉडर्ना की वैक्सीन के 5 करोड़ डोज का उत्पादन करने को तैयार है। कंपनी इसके लिए सरकार से अनुमति मांग रही है। सिप्ला के आवेदन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी जल्द निर्णय लेना है। वहीं फाइजर को लेकर जो खबर है वो ये कि वो जो छूट मांग रही है उसमें उसका ये कहना है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसकी लायबिलिटी वो नहीं लेगी, और भारत की न्याय प्रणाली के आगे केंद्र की सरकार को खड़ा होना होगा, न कि फाइजर को पार्टी बनाना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को निर्णय करना है कि वो फाइजर को इस तरह की छूट प्रदान करती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ गरीब देशों के सामने भी वैक्सीनेशन की चिंता है। उनकी चिंता को लेकर भारत लगातार आवाज उठा रहा है। कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया को मिले इसके लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा पेटेंट छूट देने की मांग पर WHO के प्रमुख ट्रेडोस ने आभार जताया है। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन तेज करने की जरूरत पर WHO ने जोर दिया। विश्व स्वास्थ्य महासभा के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कोवैक्स पहल से वैक्सीन डोज साझा करने का आह्वान किया है और वैक्सीन उत्पादन तेज करने की मांग की है। सभी तक समान रूप से वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने के लिए कोविड वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि विश्व को कोविड वैक्सीन की अधिक जरूरत है और हमें इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। वैक्सीन निर्माण के लिए पेटेंट समाप्त कर वैक्सीन लाइसेंस साझा किया जाएगा तो दूसरी दवा कंपनियां वैक्सीन का निर्माण कर सकती हैं, और भारत और अफ्रीकी देश इसके समर्थन में है, जिसके बाद अमेरिका भी इसके समर्थन में आवाज अब उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।